Hi everybody. Reset, readjust, restart, refocus as many times as you need to. Today is 9th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in the morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 155 Geography. Neville Thermal Power Plant is fed by tertiary coal. ये जो लिगनाइट होता है दिस इज कोल। राउरकेला स्टील प्लांट गेट्स ऑफ आयरन फ्रॉम फ्रॉम क्योंझर कोरबा इन छत्तीसगढ़ हैज फॉर हैलूमिनियम इंडस्ट्री सीमेंट प्राइमरली मिलता है डालमिया नगर बिहार में डालमिया नगर इज फेमस फॉर दिस सीमेंट फैक्ट्रीज इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड इन कटक सो so, ये आंसर्स हैं यस्टरडेज के आज के सवाल हैं विद सिटी हैज द फर्स्ट द फर्स्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवॉर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉट इज दस ऑफ रिप्लेसिंग ओरिजिनल पेमेंट कार्ड डिटेल्स विद एन कोड अभी हाल ही में ये न्यूज में है वॉट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री हु हैज बिन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया

और इसके लिए शेड्यूल 10 है कैन यू टेल व्हाट इज दिस शेड्यूल 10 प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन दिस शेड्यूल 10th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देन रिपेंटेंस का मतलब है पछतावा द एक्शन ऑफ रिपेंटिंग सिंसियर रिग्रेट और रिमोर्स रेलेगेट का मतलब बाहर निकाल देना कंसाइन और डिसमिस टू एन इनफीरियर रैंक और पोजीशन फ्लमजी है 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 मतलब कमजोर डिजाइन इज फिली कम्पेरिटिवली लाइट एंड इन सब सो ये वोकेबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो दिस इज सी सेट ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है दिस इज द पैराग्राफ दीज आर टू क्वेश्चन ट्राई टू आंसर दीज टू क्वेश्चन Then, did you know में है एशियाटिक लाइन लाएं। सी लाइन दो टाइप के हैं दोपीशीज है, दो है प्राइमरली एक है अफ्रीकन लाइन जो यूजुअली हम एनजीओ वगैरह दिस देखते हैं नेशनल जोग्राफिक एसेट्रा में और एक होता है हमारे इंडिया का गिर लाइन दिस इज एशियाटिक लाइन एशियाटिक लाइन दोनों में स्लाइड डिफ्रेंस होता है एशियाटिक लाइन और दिस दिस अफ्रीकन लाइन में इंडिया में एशियाटिक लाइन है एशियाटिक लाइन गिर में सो एंड ट्वेंटी से बढ़कर अब पॉपुलेशन हो गई है 674 इन द ईयर 2020 सो दिस इज अ गुड थिंग आप हैं भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी आजादी के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था आप जेल भी गए थे विनोबा भावे जी के भूदान आंदोलन से जुड़कर अपने वंचित लोगों के कल्याण के लिए भी काम किया था सो so, आप हैं स्वतंत्रता सेनानी और संपूर्ण क्रांति के प्रणेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी देन दिस इज ऑन दिस डे वी रिमेंबर सैफुद्दीन किचलू साहब ही an एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट सपोर्टेड यूनिफाइड यूनिफाइड इंडियन नेशनलिज्म अगेंस्ट ब्रिटिश colonial रूल सो so, आप हैं सैफुद्दीन किचलू साहब फॉलोइंग मेला सवाल है आज का विच ऑफ दिज मेला फेयर आर नॉट आर नॉट ऑर्गेनाइज इन राजस्थान राजस्थान इज फेमस फॉर दिस फेस्टिवल्स मेला कल्चर एट्सेट्रा बट इनमें से कौन सा मेला राजस्थान में नहीं है ये नागौर है ये पुष्कर है और ये पचमढ़ी उत्सव है अल स्टोन फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इट इज अ गुड न्यूज हुआ है फीमेल इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट में थर्टीन स्टेट्स में ड्रॉप हुआ है गर्ल चाइल्ड टूवर्ड्स एन इक्वल इंडिया टूवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग नारी शक्ति ये अनजंबल्ड है मुंशी प्रेमचंद जी का यह कौन सा बुक है कैन यू टेल ये किस बुक का नाम है अनजम्बल्ड अन ट्राई टू अन देन दिस इज चिकनकारी फैब्रिक चिकनकारी फैब्रिक चिकनकारी कहाँ का है चिकनकारी है लखनऊ का लखनऊ का यूपी चिकनकारी में बहुत डेलीकेट काम होता है ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है और इसमें फैब्रिक जैसे शिफॉन मुस्लिन एंड सिल्क में ये वर्क होता है सो so ये चिकनकारी फैब्रिक है और ये लखनऊ का है रिलिम्स में सवाल आया था कलमकारी ये कलमकारी किस क्षेत्र का है कैन यू टेल कहाँ से बिलोंग करता है कलमकारी सो so, ये हो गया दिस सोशल मीडिया अपडेट नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर दिस इज संडे आज एडिटोरियल्स नहीं आते हैं एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दली एडिशन फिल्म क्लास कल से कंटिन्यू हो जाएगी वी विल रिज्यूम और हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटिक आपको चैप्टर वाइज में टेस्ट भी यहाँ पे करा रहा हूँ जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हमने कुछ ट्वेंटी एम देखे ऐसे सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट एम है ना मैं आपको अराउंड थाउजेंड टू थाउजेंड एमसीक्यूज यहाँ सॉल्व करूंगा और ये एमसीक्यू हम डिस्कस भी करेंगे डिस्कस भी करेंगे सो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज कम्पलीट मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कम्पलीट अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थ्री सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो दिस इज गोइंग टू बी अव प्लान ऑफ एक्शन वन वन बाय ये पूरे 80 के एट्टी चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं सो दिस इज सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम टूमोर नाउ लेटेस्ट कम टू द हिंदू न्यूज पेपर और आंसर राइटिंग हम टूवर्ड्स द एंड ऑफ विडियो जो आपने सबमिशंस किया है उसका भी रिव्यू करेंगे ये वेबसाइट है सृजन इंडिया डॉट वन यहाँ आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं सी कितने अच्छे यहाँ पे सबमिशन है व कॉम्युनिटी इज रियली रियली गुड बहुत सिंसियर क्वालिफाइड और अच्छी कॉम्युनिटी है हमारी ज्वाइन बेस्ट इसका आप दिस बेस्ट यहाँ से दिस पढ़ाई का यहाँ पे फायदा उठाइए ओके और इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स दिस इज द क्यू आर कोड यू कैन स्कैन यू पी आई क्यू आर कोड टू पे फी एंड दिस इज़ द कोर्स कोर्स नेम ये वैलिड है ऑफ़ तक एंड इट इज नॉट मंथली फी इट इज टाइम फी इजी एफ मे टिल्वेंटी ट्वेंटी थ्री कम टू दिंदू न्यूज पेपर टेक्नोलॉजी इज इस पाथ फॉर द वेरी सी यहाँ पे बात है नोमैडिक पीपल की नोमैडिक नोमैडिक क्या होते हैं हमने एक वर्ड पढ़ा था ट्रांस ह्यूम ट्रांस ह्यूम सीजन चेंज होता है तो कैटल्स जो प्राइमरली फीड करते हैं फॉर्डर पे या फिर से जोग्राफी पे तो बिकॉज ऑफ चेंज इन सीजन ये जो ट्रांस ह्यूमस होता है मतलब ये अपने लाइव स्टॉक कैटल्स के थ्रू कैटल्स के साथ दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस से वैली

ये अंडरटेक आर्डुअस जर्नी आर्डुअस जर्नी ऑन फूड एज पार्ट ऑफ देयर सीजनल माइग्रेशन टू फाइंड बेटर पॉस्टर फॉर देयर लाइफ स्टॉक पॉस्टर फॉर देयर लाइफ स्टॉक अब देकेशन फैमिली मेंबर्स टू एक्सीडेंट्स हार्डशिप्स एटसेट्रा डिफिकल्टी होती है सो गवर्नमेंट यहाँ पे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी उन्हें दी जा रही है सो so दैट वो लॉन्ग डिस्टेंस जो है कम समय में अलॉन्ग विद सेफ्टी कवर कर पाए

रशिया ने यहाँ पे रेफरेंडम कराकर पीपल्स की विल के अकॉर्डिंग रशिया में ज्वाइन करा दिया दिस इज सी ऑफ अजोव, दिस इज सी ऑफ अजोव, दिस इज सी ऑफ अजोव। और ये है ब्लैक सी और ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव अजो को ये कनेक्ट कर रही है कर्च स्ट्रेट कर्च स्ट्रेट और कर्च स्ट्रेट में है ये क्रीमियन ब्रिज क्रीमियन ब्रिज तो ये ब्रिज काफी इंपॉर्टेंट था कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए और अभी ये ब्रिज डैमेज हो गया सो दिस इज ब्लैक सी दिस इज सी ऑफ अजो दिस इज कर्च स्ट्रेट एंड दिस इज क्रीमियन ब्रिज क्रीमिया इज अ पेनसोला दिस इज अन्न दिस इज दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू नाउ दिस इज इंडियन एयरफोर्स ऑल सेट टू क्रिएट अपन सिस्टम ब्रांच से एयर चीफ मिस्टर वी आर चौधरी ड्यूरिंग द इंडियन एयरफोर्स डे सो एयर चीफ मार्शल चौधरी साहब ने बताया कि यूनिफिकेशन होगा सारे वेपन सिस्टम का यू you नो know, अभी जो थीम है चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर आर्मी हो या फिर नेवी हो सब जगह दो थीम कॉमन है एक तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन करना है टेक्नोलॉजी पे रिलायंस बढ़ता जा रहा है सेकंड इंटीग्रेशन करना है चीजों को वेस्टेज नहीं हो डुप्लीसिटी नहीं हो इंटीग्रेटेड थिएटर कमान हो और इसका रीजन क्या है कि जो नेचर ऑफ वॉर है वो चेंज हो गया है अब पहले जैसे वॉर नहीं होते अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है दिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो द आइडिया इज जो हमारी फौज है वो भी अब दिस पास्ट बनने की कोशिश कर रही है वो बहुत ज्यादा जो लेगेसी मेथड थी फाइट करने की वॉर करने की उससे आगे मॉडर्नाइजेशन की अभी थीम चल रहा है मॉडर्नाइजेशन सो न्यू ब्रांच विल लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ ऑल वेपन सिस्टम सो कल एयरफोर्स डे भी था तो यूनिफिकेशन होगा फोर स्पेशलाइज स्ट्रीम ऑफ सरफेस टू सरफेस सरफेस टू एयर रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट जैसे ड्रोन्स वेपन सिस्टम ऑपरेटर्स ट्विन एंड मल्टीक्रू एयरक्राफ्ट तो द आइडिया इज़ इन सबको यूनिफाई करेंगे बिकॉज यू नो एट टाइम्स यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन से एरर से एक्सीडेंट्स भी होते हैं कई बार जो हमारा खुद का रडार है ऐसे अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स हुए हैं ह्यूमन एरर भी हुआ है कि हमने खुद के प्लेन को शॉट डाउन कर दिया सो so, ये इस टाइप का लैप्स नहीं होना चाहिए दिस दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सो इसके लिए यहाँ पे यूनिफिकेशन प्रॉपर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में रिफॉर्म्स जरूरी हैं डिबेट ओवर ऑडियो वी स्लिप्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड तो विजुअली चैलेंज्ड है वी स्लिप क्या होता है कि आपने जिसको वोट दिया वो प्रिंटेड फॉर्मेट में एक स्लिप निकलेगा और वो कंफर्म कर देगा कि ईवीएम के थ्रू आपने जिसको वोट दिया है वो वोट उधर ही गया है तो ये होता है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल बट जो विजुअली चैलेंजड है वो तो पढ़ नहीं पाएगा तो उसके लिए ऑडियो वी पैट स्लिप का बात है बट इसमें फिर ये भी बात आता है कि क्या इसमें बिकॉज वोटर वोट डालना इज लाइक अ वेरी प्राइवेट अफेयर प्राइवेट अफेयर इंडिया में सीक्रेट बैलेट होता है सो द आइडिया इज ये सारी चीज़ें कैसे कंसर्न होगा क्या ये प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा ये इस पर अभी डिबेट है वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ नेविगेटिंग ओपेक प्लस सप्लाई करी साहब ने बताया सीजे ललित अ फ्रेनेटिक पेस इन सुप्रीम कोर्ट सक्सेसर को यहाँ पे चुनना है एज प्रेजेंस ओवर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ अंडर ट्रायल की बांग्लादेश इज अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री वेरी वेरी पॉपुलेटेड कंट्री बांग्लादेश की पॉपुलेशन डेंसिटी बताओ आप कितना यू विल अंडरस्टैंड बांग्लादेश इज सो पॉपुलेटेड सो पॉपुलेटेड और फिर रिसोर्सेज की लिमिटेड रिसोर्सेज है तो अक्सर क्या होता है बांग्लादेश से इंडिया स्पेशली हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं बांग्लादेश से यहां होता है माइग्रेशन और ये माइग्रेशन होता है इलीगल माइग्रेशन इलीगल माइग्रेशन बिकॉज बॉर्डर पोरस है तो इलीगल माइग्रेशन होता है यहाँ पे एंड दिस इलीगल माइग्रेशन इज अ सिक्योरिटी थ्रेट सो दैट इज वाई जो हमारी फौज है बी एस एफ है वो यहाँ पे अरेस्ट करती है इलीगल माइग्रेंट्स को बट फिर जेल हमारा ओवर हो रहा है तो हमने उनका रिकॉर्ड क्लीन करके उनको कहा रिटर्न टू बांग्लादेश सो ये बी एस एफ यहाँ पर वर्क कर रही है इमरजेंट कार्स हैं एंड दिस इज जर्मन कॉल फॉर यू एन एंड दिस इज क्लीन स्वाइप फॉर एम जी नरेगा एंड थाईलैंड ट्रेन एंड दिस इज चाइना चाइना डिफेंस पॉलिसी ऑन शिंजियांगजर्ट इट्स नॉट अबाउट राइट इट्स नॉट अबाउट राइट लेटे इंडिया क्योंकि यहाँ पे एब्सटेन हो गया है बट एम ई ए की रिपोर्ट ने एम ई ए के स्टेटमेंट्स ने बोला था कि शिंजियाग में जो एट्रॉसिटीज हो रही है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन है नॉट एक्सेप्टेबल लेटेस्सी

ये चंद्रयान टू काफी हम इसमें होपफुल थे और ये 95 परसेंट सक्सेसफुल भी रहा है चंद्रयान टू मिशन एक्सेप्ट दिस सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्ट लैंडिंग मतलब प्लेन ऐसे उतरा कि वो डैमेज नहीं हुआ सॉफ्ट लैंडिंग ऑफ दिस रोवर विक्रम एटसेट्रा इस सॉफ्ट लैंडिंग के अलावा बाकी जो पर्पज था चंद्रयान टू का वो फुलफिल हुआ है सो दैट इज बाय नाइन्टी फाइव परसेंट सक्सेस मिशन सक्सेसफुल मिशन अब चंद्रयान टू ने सोडियम कंटेंट निकाला मून्स की सरफेस में मून में हम एक बार अपोलो मिशन के थ्रू गए थे उसके बाद मून में ह्यूमन लैंडिंग भी नहीं हुआ है नासा ने किया था अपोलो मिशन जो माना जाता है बट उसके बाद ये दोबारा नहीं ट्राई हुआ ऑल दो नासा ने आर्थम भी ट्राई कर रहा है एंड दिस गगनयान इंडिया भी मंगलयान एंड दिस चंद्रयान के ऊपर वर्क कर रहा है बट अभी तक ह्यूमन लैंडिंग दोबारा पॉसिबल नहीं हुई है अब सी इसरो का ये मिशन है चंद्रयान टू है और इसमें एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी था चंद्रयान की जो मून मून की जो सॉइल है उस सॉइल को ये एनालिसिस किया तो इसने सोडियम पाया है लूनर सरफेस एक्सरे फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रा से तो दिस इज अगेन वन थिंग हम कोशिश कर रहे हैं मून को समझने का बिकॉज यू नो मून एक हमारा नेचुरल सैटेलाइट है इन फ्यूचर इन फ्यूचर हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इंटरप्लानिटरी बने ह्यूमन स्पीशीज हमारी तरह इंटर प्लानिटरी हो जाएगी आफ्टर सम टाइम इंटर प्लानिटरी मतलब वी विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अर्थ वी विल गो बियॉन्ड अर्थ बियॉन्ड अर्थ टू डिफरेंट प्लैनेट्स दिस इज पॉसिबल और उस केस में ये जो मून है ये एक बहुत अच्छा लॉन्च पैड बन सकता है लॉन्च पैड कि मून पे आप एक लॉन्च पैड बनाओ और उसके बाद डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करो सो दैट इज वाई मून को समझना बहुत ज़रूरी है तो वॉलेटिलिटी है सोडियम कंटेंट है अब ये सब न्यूज बहुत अर्ली न्यूज होती है बहुत अर्ली न्यूज होती है सोडियम कंटेंट मिला है चंद्रयान टू ने बताया ये नाम याद रखने कुछ पहले मून मिशन हुए हैं जैसे अपोलो इलेवन लूना चैंगी ये सब रॉक सैंपल्स वहां से लेके आए थे चंद्रयान ने स्पेक्ट्रोमीटर से उसको एनालिसिस किया और यहाँ पे सोडियम मिला

तो यहाँ की जो स्पीशीज है ना वो एक अलग तरीके से इवोल्यूशन हुआ है उनका सो so देखो ये कैंगरू है यहाँ पे कोआला है ये ये स्पीशीज यूनिक है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के सो ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी यूनिक बायोडाइवर्सिटी बट प्रॉब्लम अगेन ये हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग वाइल्ड लाइफ फायर तो ऑस्ट्रेलिया ऑसीज एक नया लॉ ला रहे हैं वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने का देन अर्ली वार्निंग्स फॉर हीट वेव्स इज ह्यूज इम्प्रूवमेंट अब सी हीट वेव क्या होता है टेम्परेचर अचानक से बहुत राइज हो गया इसको मैं कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाता हूँ हीट वेव क्या होता है हीट वेव मतलब अब पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है जैसे समर सीजन में इंडिया में दिखते हैं लू चल रही है मार्च टू जून में ज़्यादा होता है तो द आइडिया इज कि ये हीट वेव का जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ रहा है इंटेंसिटी भी बढ़ रहा है और बिकॉज ह्यूमन बॉडी क्या होती है मैक्सिमम वाटर होता है ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंटेज वाटर होता है टेल और अगर हीट वेव में है हम तो हमारा बॉडी के नॉर्मल एक्टिविटी हैम्पर होती है हीट स्ट्रोक होता है स्वेलिंग फेंट हो जाते हैं और हीट एग्जॉशन होता है फटीग वीकनेस डिजीनेस हेडेक एक वॉमिटिंग स्वेटिंग डार्क कलर्ड यूरिन बिकॉज डिहाइड्रेशन हो गया है कन्फ्यूजन और एब एबडोमिनल क्रैम्प्स होते हैं सो हीट स्ट्रोक से बॉडी टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा चला गया है तो इससे कोमा में भी जा सकते हैं और लाइफ लॉस भी होता है सो दैट इज़ हीट हीट वेव से बचना चाहिए वेव क्या होता है कई बार एक डोम बन जाता है डोम मतलब जैसे ये एक डोम बन गया है जिससे हमने सांची स्तूपा पड़ा था डोम बन गया है यहाँ क्या हो रहा है गर्म हवा ऐसे सर्क्यूलेट हो रही है और उसका टेम्परेचर राइज ही होता जा रहा है राइज होता जा रहा है हाई प्रेशर एटॉमिक कंडीशन कंबाइन टू एक्ट एज ए लिड ऑन द एटमोसफेयर यहाँ सारी हाई प्रेशर कंडीशन है एक लिड की तरह हो गया और इंटरनल टेम्परेचर इज राइजिंग सो दिस इज अट ये कन्वेक्शन होता है देखो तीन चीज़ होती है कंडक्शन होता है कन्वेक्शन होता है रेडिएशन होता है कंडक्शन मतलब होता है सब जैसे सॉलिड में हो रहा है रॉड को एक जगह हीट करो दूसरी जगह हीट पहुंच जाती है कन्वेक्शन यूजुअली जैसे एयर में हो जाता है वो यहाँ एयर गर्म हो रहा है एयर गर्म होके ऊपर उठेगा और ऐसे हीट को स्प्रेड करेगा तो ये कन्वेक्शन हो गया रेडिएशन में मीडियम की भी जरूरत नहीं पड़ती सोलर रेडिएशन जैसे तो इससे होता है हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर और बिकॉज एक, एक डोम बन गया है और उसके कारण उसके कारण इस हीट डोम के कारण यह बहुत ज्यादा हीट टेम्परेचर बढ़ जाता है हीट वेव है कोल्ड वेव ठंडा है सीवियर हीट वेव बहुत टेम्परेचर है सीवियर कोल्ड वेव काफ़ी कम टेम्परेचर है तो ये जो हीट वेव है इसको हम प्रडिक्ट करने की कोशिश करते हैं बिकॉज इट इज अगेन जो हीट सन से अर्थ सरफेस पे आ रही है दैट इज कॉन्स्टेंट उसको हम बोलते हैं सोलर इंसोलेशन सोलर इंसोलेशन दिस इंसोलेशन इज कॉन्स्टेंट बट उस इंसोलेशन के बाद वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एटमॉस्फेयर में विंड्स के द्वारा ओशनिक डिस्करेंट्स के द्वारा एटसेट्रा वो फिर अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है हमारे यहाँ लैटिट्यूड्स भी होते हैं नॉर्दर्न सदर्न में जाएंगे तो टेम्परेचर कम होने लग जाता है इक्वेटर के पास टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है तो इंडिया यूजेज एन एंड टू एंड सीमलेस प्रोडिक्शन सिस्टम हीट वेव का शॉर्ट रेंज टू तो सीजनल इस इसमें हमें और प्रिसीजन की ज़रूरत है तो हीट वेव प्रोम प्राइमरली दिस नॉर्दर्न सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा मिलती है हीट वेव से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन हाई प्रेशर एरिया या फिर अपर ट्रोपोस्फेरिक जो जेट स्ट्रीम्स है जेट स्ट्रीम्स क्या होती है जैसे ये अर्थ है ऊपर गारलेंड की तरह नॉर्दर्न हेमिसफेयर में सर्दर्न हेमिसफेयर में ऐसे चल रही है तो ऊपर अगर हाई प्रेशर सिस्टम बन गया तो ऐसा हीट डोम बनेगा और फिर यहाँ सारी गर्मी अंदर यहाँ पर सर्कुलेट होती रहेगी टेम्परेचर राइज होगा एक्चुअली ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोलते हैं ना अर्थ के चारों तरफ एक एटमोस का ब्लैंकेट है जो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर बनाए रखने में हेल्प करता है बट जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है बिकॉज ऑफ से एक्सेस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस देन इट इज अ कॉज ऑफ वरी अल नीनो एनसो सदन ऑसिलेशन इंडियन ओशन मोड्यूल ये सब इम्पैक्ट होता है आई के पास केपेबिलिटी है इसको प्रेडिक्ट करने की जेनेसिस ड्यूरेशन इंटेंसिटी कितना होगा चार पांच दिन पहले ही पता चल जाता है आई एम पुणे है ये बता देता है तो द आइडिया इज अगर हमको पता चल जाता है ये एक डिजास्टर आने वाला है तो वी आर बेटर प्रिपेयर्ड और एटलीस्ट हम ह्यूमन लाइफ वहां पर दिस जो लॉस है उसको हम मिटिगेट कर सकते हैं तो दिस इज द आइडिया अर्ली वॉर्निंग फॉर हीटवेव सीज ह्यूज दैन ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डी एन ए स्ट्रेस ह्यूमन स्ट्रेस इज बैड फॉर हेल्थ ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए पढ़ाई भी देखो हर किसी की अपनी अलग कैपेसिटी होती है हर किसी का एक अपना अलग पेस होता है है ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं अभी वन टू वन स्टार्ट कर रहा हूँ ना सम स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स इतने ब्राइट हैं बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन लाइव चैट में भी फटाफट सारे आंसर्स दे देते हैं तो यू स्टार्ट फीलिंग लो ऐसा नहीं लो फील नहीं करना है हर किसी का एक अपना पेस होता है सम पीपल जो अभी आप देखते हो फटाफट आंसर्स लिखते हो वो सालों से तैयारी कर रहे हैं उनको काफी अच्छा लेवल हो गया है यू आर न्यू तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम किसी से कम है नहीं डरना नहीं है और स्ट्रेस में तो बिल्कुल नहीं आना है स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना है इट टेक्स टाइम इट टेक्स टाइम गो इजी खुद के लिए इजी रहो इट टेक्स टाइम टू बिल्ड अ पैलेस गो ईजी रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो थोड़े दिन में आप भी फॉर्म में आ जाओगे इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस स्ट्रेस नहीं लेना है एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है जितना आप अच्छे से पॉजिटिव एटीट्यूड से एग्जाम लिखोगे उतना ही आपका सक्सेस होने का चांस बढ़ जाएगा अंडर स्ट्रेस या फिर अंडर पैनिक या फिर सेल्फ लोदिंग की हैबिट आ जाती है सेल्फ क्रिटिसिज्म होने लग जाता है डिप्रेशन आने लग जाता है नॉट 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 गुड गुड इट इज गोइंग टू हेल्प यू ओके सो हैप्पी रहना है और बी अ स्पोर्ट स्पोर्ट्स की तरह इसको लेना है कि हम बेस्ट टू बेस्ट परफॉर्म करेंगे देन फिर वी विल लीव एवरीथिंग रेस्ट हम बस अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे गिव योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट दैट्स ऑल इससे स्ट्रेस नहीं होता है ओके okay. तो ये डॉग्स है डॉग्स भी एक्चुअली बहुत सेंसिटिव होता है डॉग बहुत सेंसिटिव होता है डॉग बहुत लॉयल भी होता है ये जो डॉग्स ये सेंस कर लेते हैं व्हेन ह्यूमन बीइंग इज एट डिस्ट्रेस सो कई बार आप देखो थेरेपी डॉग्स भी होते हैं थेरेपी डॉग्स भी होते हैं देख इन सेंस जब उनका ह्यूमन या ऑनर को दे सी एट डिस्ट्रेस सो दिस इज़ द स्ट्रेस्ड ह्यूमन अब देखो मैंने बताया था ना ये नोबेल प्राइज का सारा अभी एक अच्छा सा पोर्शन आएगा डो नॉट वेस्ट टाइम ये आ गया केमिस्ट्री ये आ गया फिजिक्स और ये आ गया दिस फिजियोलॉजी पेलियो जियो इकोनॉमिक्स पेलियो जियोनॉमिक्स जैसे कि हमारे जीन्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ अब इसमें बहुत पीएचडी नहीं करना है मैं फिर बता रहा हूँ इतने एक्सपीरियंस है बस आपको नाम याद रहना चाहिए और किस चीज पे मिला है और एक जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो आपको पता होना चाहिए दैट्स मैंने इसका पूरा कंपाइलेशन कर दिया टाइम सेव हो गया ना तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए इस तरीके से हमें अप्रोच करना चाहिए वरना डेली रिपीटिशन से कोई प्रोग्रेस नहीं है इट इज़ नॉट एंटरटेनमेंट वी आर नॉट फॉलोइंग न्यूज वी आर फॉलोइंग करंट अफेयर्स जो हमारे एग्जाम के रेलिवेंट है वो भी स्मार्टेस्ट वे पॉसिबल में इसीलिए मैं इतना नोट्स बनाने का इतना मेहनत करता हूँ आई कैन क्विकली गो थ्रू दिस एंटायर पीडीएफ इतना एफर्ट्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा बट फिर उससे क्या होगा आफ्टर वन मंथ आपको जानना है नौ तारीख को क्या पढ़ा था आप कैसे पता लगाओगे बट अगर ये 5-6 पेजेस का पीडीएफ है आपके पास आपने वीडियो सुना है यू कैन ईजिली रिवाइज़ और रिविजन होना बहुत ज़रूरी है सो वॉट वी आर डूइंग इज अ वेरी एफिशियंट एंड रिफाइंड वे ऑफ स्टडी बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट भी दमदार होना चाहिए स्टूडेंट भी उतना ही सिंसियर होना चाहिए वरना ऑब्वियसली ताली एक हाथ से नहीं बचती आपको भी उतना सिंसियरिटी से पढ़ना होगा देन यू विल सी द रियल बेनिफिट देन यू विल सी द मैजिक और ये मैजिक होगा तभी सलेक्शन होगा वरना दिस इज नॉट दैट इजी एग्जामिनेशन इट इज नॉट दैट इजी एग्जामिनेशन ओके सी तो दिस इज देयर अब देखो ये नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में है ना नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला आप फ्रांस की है आपका जो बुक है वो बहुत ईजिली कनेक्ट करता है सोसाइटी से सिम्पलिसिटी है बहुत ज्यादा सिम्प्लिसिटी फॉर द करेज इन क्लिनिकल एक्टिविटी विद विच हीस द रूट्स एस्ट्रेंजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंड ऑफ पर्सनल मेमोरी सो आपको यहाँ पे दिस नोबेल मिला तो ये नोबेल किस लिए मिला ये नोबेल मिला लिटरेचर के लिए ये नोबेल मिला लिटरेचर के लिए नो द नेम देन ये जो नोबेल पीस प्राइज मिला ये नोबेल पीस प्राइज मिला आपको ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है बेलारस और अभी जो रशिया के साथ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा तो उस पूरे न्यूज को कवर करने के लिए बिकॉज अगेन दिस इज नॉट इजी कि वॉर टोन कंट्री में आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हो वहां पे जाके इज नॉट दैट इजी सिविल लिबर्टी सो फॉर देयर एक्सट्रॉडिनरी एफर्ट आपको यहाँ पर दिस नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ मिला है यहाँ पे क्लिक केमिस्ट्री के लिए क्लिक केमिस्ट्री क्लिक केमिस्ट्री एक्चुअली यहाँ पे आगे दिया है मैं बताता हूँ कि जो हमें कुछ नया सिंथेसिस करना है कुछ एंजाइम्स बनाने हैं कुछ हमें बॉडी के कुछ नए कुछ हमें कंपोनेंट्स का हमें देखना है कुछ मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा बनाने हैं वो मेडिसिन बनाना है ट्यूमर के लिए पर्टिकुलर जहाँ ट्यूमर है केवल वहीं हिट करे वो मेडिसिन तो इसके लिए हमें नए कंपाउंडस बनाने हैं और उसके मैकेनिज्म पे इन्होंने यहाँ पे वर्क किया दैट इज क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री बस शब्द का नाम याद रख लो क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री तो ये तो हो गया नोबेल केमिस्ट्री में अब नोबेल फिजियोलॉजी में मेडिसिन में मिला है डिस्कवरीज जीनोम्स हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ नियंडरथल कैसे आए होमोसेपियंस कैसे बिकॉज इन दी एंड हम सब क्या थे चिंपेन जी बंदर इसके पहले जो थे वो फिशेस थे और इसी तरीके से इवोल्यूशन हुआ दिस इज द ट्रूथ दिस इज द ट्रूथ सो दैट इज वाई ये भी मैं आपको बोलता हूँ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए खुद को द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन बट ये जानना जरूरी है सो दैट वी नो अवर रूट्स वी नो अवर रूट्स कि हमने कितना जर्नी ट्रेवल कर लिया है सो वेन एवर यू फील बैड रिमेंबर यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ इवोल्यूशन

हमारे को जितनी अंडरस्टैंडिंग थी जितना हम देख पाते थे तो हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया फॉर एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऐसे करके लॉज बना दी और ये जो लॉज थे ये हमारी नॉर्मल फिजिक्स में थे बट एक फिजिक्स और भी होती है जो सब एटॉमिक लेवल पे काम कर रही है सब एटॉमिक लेवल पे वेरी 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 माइक्रोस्कोपिक सब एटॉमिक और फिर वो बनती है क्वांटम फिजिक्स क्वांटम फिज़िक्स और यहाँ के जो नियम होते हैं यहाँ के जो नियम होते हैं एंटमैन तो देखा ही होगा यहाँ के जो नियम होते हैं वो थोड़े डिफरेंट वर्क वर्क करता है नॉट सीन डायरेक्ट रेफरेंस इट्स जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट वॉज अ मूवी बट द पॉइंट इज क्वांटम मैकेनिक्स इज लिटिल बिट डिफरेंट तो आपने क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस एट्सेट्रा में काम किया और इसलिए फिजिक्स का आपको नोबेल मिला अभी अच्छा सा कंपाइलेशन हो गया है क्लिक केमिस्ट्री क्या है तो क्लिक केमिस्ट्री में अगेन क्लिक केमिस्ट्री में आपको कुछ नया फर्टिलाइजर का कुछ बनाना है प्रोडक्ट बनाना है तो द आइडियाज जैसे जिकसो पजल है ऐसे हम टैंपलेट्स को अटैच करें वहां पे एक प्रोसेस निकाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम सिंथेसाइज कर लें तो दिस इज क्लिक क्लिक जैसे लेगो भी आता है बच्चे लेगो दिस लेगो बनाते हैं सो एक गेम होता है लेगो जिसमें ऐसे ज्वाइंट्स लग जाते हैं सारा एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है तो दिस इज लेगो ब्लॉक और इसको क्लिक बोल दिया है हा बनाया फिजिक्स का नोबेल दिस इज अबाउट क्वान्ट और ये बताया पेलियो जियोनॉमिक्स मतलब हमारे जीन्स कैसे इवॉल्व हुआ बस बहुत ज्यादा इसमें बॉर्डर नहीं करना है दिस इज डन अभी इकोनॉमिक्स बचा हुआ है उसको हम कल देखेंगे ऑफ डिक्टेटर पार्बोआइल राइस एक्सपोर्ट को हिट हुआ है कस्टम ड्यूटी स्टैंड ऑफ है देन जो भी गांबिया मेंबरशिप यहाँ पे कम हुआ हाइड्राजीन hydra, हाइड्रेट का इम्पोर्ट फॉल हुआ रिटेल जॉब्स में भी दिस डिप हुआ है

नेगेटिव चीजें जो होती है दे आर लाइक एनर्जी ड्रेन करती है यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल आप उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं सेल्फ केयर का हर किसी को राइट right होता है यू कैन गो फॉर दिस सेल्फ केयर प्रोटेक्ट योर दिस सेट बाउंड्रीज प्रोटेक्ट योर मेंटल हेल्थ और वर्क में भी ये जो रोबोट वाला जो कल्चर है एक्सेसिव प्रेशर एटसेट्रा यू कैन से नो यू कैन से नो मेंटल हेल्थ को भी एड्रेस करना जरूरी है मेंटल हेल्थ के साथ प्रॉब्लम ये होती है मेंटल हेल्थ दिखती नहीं है मेंटल हेल्थ दिखती नहीं है फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है ब्लड टेस्ट हो गया होके okay, मलेरिया हो गया मेडिसिन ले लो दिस एंड दैट बट हमारे यहाँ ऐसा स्टिग्मा हो गया है कि वी डू नॉट टॉक अबाउट इट जो कि गलत है इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग नॉर्मल हेल्थ बॉडी डिस्कस टॉक टू योर फ्रेंड्स एट्सेट्रा एंड एड्रेस दिस तो ये एक्सेंचर में यहाँ पे बताया है कॉर्पोरेट में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस बर्नआउट बर्नआउट वर्क प्रेशर इतना होता है बर्न आउट हो जाता है सो दैट इज वैर स्लो डाउन स्लो डाउन यू आर फीलिंग लाइक दिस बर्न आउट जैसे अभी प्रम्स का क्लासेज हो रहा था का हो रहा था सो मच ऑफ वर्क आई फीलिंग दिस बर्न आउट आई फीलिंग दिस बर्न आउट सो वट आई डिड स्टॉप जब बर्न आउट हो रहा है सिम्टम्स दिख रहे हैं तभी आप स्लो डाउन हो जाओ स्लो डाउन हो जाओ इट्स बेटर टू स्लो डाउन बजाय आपको फोर्स कर दिया जाए कि आप स्टॉप लगा दो तो इट इज बेटर टू स्लो डाउन ओके अंडरस्टैंड दिस थिंग देन इन द लाइटनेस ऑफ द डिवाइन दुर्गो पूजा ओके सो पढ़ाई में भी बहुत प्रेशर नहीं लेना है एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ते हैं धीरे धीरे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो और को ईजी आप को ईजी एक दिन में नहीं होता है चीजें गो ईजी टू सेट यूनिफॉर्म सेफ्टी स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकॉज कई बार इसमें लाइक like बस्ट वगैरह भी हो रही है बैटरीज एट थर्टी वन थर्टी जे ये बहुत बड़ी मशीन है एयरक्राफ्ट है हर्क्यूल देन आई एफ स्टेम्स अंडर वन रूफ होगा इंटीग्रेशन की बात है यहाँ पे दैन लैपर्ड मेकिंग दैलीज अर्बन फॉरेस्ट बिकॉज फॉरेस्ट में उनको कुछ उनका प्रीबेस नहीं मिल रहा है और प्लस हम उनके फॉरेस्ट को एनक्रोच कर रहे हैं दिस इज एक्चुअली रियल कल्परेट वी ह्यूम्स वी आर एनक्रोचिंग इन दिसपर्ड होम लैपर्ड इज नॉट एनक्रोचिंग इन अवर होम वी आर एनक्रोचिंग इन लेपर्ड्स होम ओके देन दिस इज राइजिंग इन्फ्लेशन अब ये ई रूपी है इसमें भी वेट एंड वॉच अभी बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है अभी एक बस पायलट प्लान बताया यहाँ पे पायलट प्लान बताया पायलट प्लान ये है कि एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होगी जैसे आरबीआई नोट निकालता है सौ रुपए का नोट दो सौ पाँच सौ दो हजार लाइक दैट ऐसे ही एक डिजिटल करेंसी होगी डिजिटल करेंसी ये एक्चुअल पेपर नहीं होगा इट इज जस्ट अ नंबर डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो से अलग कैसी होगी दिस इज विल बी बैक्ड बाय आरबीआई क्रिप्टो एटसेट्रा इज नॉट बैक्ड बाय आरबीआई दिस विल बी बैक्ड बाय आरबीआई बाकी इसका वैल्यू लीगल टेंडर होगा ये इसका पूरा पूरा वैल्यू पाँच सौ रुपए की ई करेंसी इज इक्वल टू नॉर्मल फाइव हंड्रेड रुपी नोट इससे ट्रांजेक्शन ईजी होगा और जो सबसे सेफ चीज होगा कि काउंटर फिटिंग बंद हो जाएगी काउंटर फिटिंग दूसरी चीज़ जो हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिजिकल मनी में होता है वो चीज़ सेव हो जाएगी तो इस पर अभी प्लान चल रहा है प्लान चल रहा है अब इसको बहुत ज्यादा डिवेल नहीं करना है क्योंकि इसमें बहुत चेंजेस आएंगे फिर आपका वो वर्क प्रोग्रेस जो हम बहुत पढ़ लेते हैं वो जीरो हो जाता है ऐसा नहीं करना वेट एंड वॉच ग्रेजुअली इसको अभी देखते हैं आरबीआई किस तरीके से इसको लाता है वेट एंड वॉच देन सिंस टू थाउजेंड ये क्रीमिया ब्रिज है एंड दिस इज बच्चन साहब बच्चन साहब गोइंग ऑन एटी This is good. Work is good. एक डायलॉग है सो दिस इज दो दिस इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस अब हम क्विकली आपके आंसर भी देख लेते हैं अब से आपने जो सजेशन दिया है पॉलिटी में हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैं केवल अब उन्हीं सवालों को यहाँ पे आपको दूंगा ओके okay? मेंस में उन्हीं सवालों को दूंगा सो so दैट आपका साइमल्टेनियसली रिवीजन भी हो जाए जैसे अभी हमने बेसिक uh, हम देखेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इससे पहले हमने हिस्टोरिकल जर्नी देख लिया तो आई विल गिव क्वेश्चन फ्रॉम दैट पार्ट ओनली बट अब ये हो गया था ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है गवर्नर का पोस्ट साल भर बहुत न्यूज में था और मैंने कहा था ये सवाल देखो आएगा एंड सीप डिस्कस द एसेंशियल कंडीशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर बाय द गवर्नर और लीगैलिटी क्या होती है रीप्रोमोलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस वन टू थ्री मतलब प्रेसिडेंट टू वन थ्री मतलब गवर्नर ऑर्डिनेंस को रीप्रोमोलगेट करा जा रहा है नियम बनाए नहीं जा रहे हैं बार बार छह महीने ऑर्डिनेंस को एक्सटेंड किया जा रहा है उसमें क्या लीगालिटी के इशूज आते हैं ये बता रहा था ओके okay. अब इसको डिस्कशन करते हैं लेटेस्ट सॉट इट बाई ओल्डेस्ट सो वेरी गुड पहला आंसर लिखा है शिवाक्षी ने वेरी गुड See, कितना अच्छा हैंडराइटिंग है आपका बहुत सिस्टमैटिक हो दिस इज गुड कॉन्स्टिट्यूशन पैराग्राफ में लिखा दिस से बनाया करना है, एक बार हो गया, करना है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजंस लिखिये वेरी गुड वेरी गुड अब साइमल्टेनियसली ये जो चैप्टर है ना लक्ष्मीकांत में वो आप देख लेना मैंने लक्ष्मीकांत इसीलिए चूज किया है बुक बिकॉज इट इज अ वेरी सिस्टमेटिक बुक बुक हर चीज में ना आर देखना चाहिए इट इज वेरी मच पॉसिबल कि दस किताबें और हैं जो इससे बेहतर हो सकती है बट द पॉइंट इज कौन सी हमारी रीच में है कौन सी इजिली अवेलेबल है किसको हम मल्टीपल टाइम्स हमें आर जिसमें ज्यादा बेहतर मिलेगा उन सब क्राइटेरिया में ये बुक अच्छे से बैठती है दैट इज वाई हमने इस बुक को चूज किया डॉक्टर जूहिया आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो सी आपके आंसर्स में प्रिसीजन बहुत अच्छा है वेरी नाइस टू द पॉइंट होता है ये चीज आपको रियल एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा सीधा इंटीग्रल पार्ट है यहाँ पे पॉइंट्स बताए सारा डिस्कस किया है ना वेरी गुड सी राइटिंग भी अब कितना अच्छा हो गया हमारा बिल्कुल सिस्टमैटिक लिख रहे हैं हम और इजिली रेडेबल भी है वेरी गुड एक्सीलेंट रत्ना प्रिया अब सी दिस दिस स्टाइल इज गुड वेरी गुड यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट हो अब देखो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स है आंसर लिखते हैं ना तो चीजें ज्यादा याद होती है दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल वेरी गुड पूरा अपने यहाँ पे अच्छे से गवर्नर पे नोटी प्रिपेयर कर लिया आर्टिकल्स के थ्रू वेरी गुड अब देखना प्रीलिम्स में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ जाएगा टू वन थ्री, थ्री क्या होता है टू थ्री थ्री क्या होता है, वन वन है गवर्नर एटसेट्रा रूहानी रियली रियली गुड आप भी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो आई एम वेरी हैप्पी सो सी यहाँ पे पूरा बताया गवर्नर अब बीच में थोड़ा सोचो डायग्राम्स कैसे आ सकते हैं या फिर कोई फ्लो चार्ट आ सकता है थिंक लेजिस्लेटिव पावर टू वन थ्री अब देखो कितना अच्छा है शुरू में आर्टिकल टू वन थ्री बोल दिया मतलब वी नो की व्हाट इज टू वन थ्री लेजिस्लेटिव पावर एसेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम रिप्रोमलगेशन सुप्रीम कोर्ट वंडरफुल देन सतेंद्र अब इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ना और एड ऑन करना इसमें बाद में और भी जो नए डेवलपमेंट होंगे सतेंद्र हिंदी में बहुत अच्छे आंसर्स लिखता है राइटिंग भी बहुत अच्छी है प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है कंटेंट भी बहुत अच्छा है राज्यपाल राज्य वेरी गुड अब इसको रिवाइज करना है अच्छे से और आपका बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाएगा मन अब भी बहुत हार्ड वर्किंग हो दिस इज रियली गुड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर क्वालिफिकेशन लेटिव सी सो गुड वंडरफुल कर दो वन टू थ्री एरो लिमिटेशन अब देखो डीसी वाधवा केस फेंटेस्टिकमार सिंह केस फेंटेस्टिक ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ओके okay? तो so, इस तरीके से हमें कॉन्टिन्यू करना है टाइम मैनेजमेंट यस हमारा वन टू वन सेशन ड्यू है मैं उसको बहुत जल्दी अभी हमारी बात होने वाली है ओके सो लेटेस्ट दिस इज फॉर टुडे टुडे नाइन्थ ऑफ अक्टूबर टुडे इज संडे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ